इसके लिए जरूरी है ये हार्वेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि बरसात चल रही अच्छे स्तर पर हो। पानी के लिए तीसरा युद्ध होगा इस देश के अंदर, पानी के लिए लोग तड़पेंगे, पानी के लिए। तो जिस तरीके से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना की है, सारे वन काट दिए, सारे जंगल साफ हो गए, पानी हम ले रहे हैं बदले में दे नहीं रहे भाई। प्रकृति के लिए ना, तो जब आप ले रहे हो तो कुछ दो प्रकृति को, तो ले रहे हैं नलकूप खनन, प्रकृति बिल्कुल पोली हो गई है। आने वाले समय में अभी हजार शहर के अंदर यही चीज रही तो पानी सुन हो जाएगा, और सुन हो जाएगा तो हम सब मानव जाति समाप्त। भाई पानी भी जिंदा है ना, पानी मिलना बंद हो गया तो भाई बचने वाला क्या है, इसलिए प्रकृति को जिंदा रखना बहुत आवश्यक है। हम प्रयास करें, आप सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम सब भाषण देते हैं, सबको उपदेश देते हैं, उस उपदेश को भी जिंदगी में लाएं। बरसात आ गई है, पुण्य का काम कमाना है, सब संकल्प लें कि कम से कम 2-4-5 पेड़ आप लगाएंगे, और लगाने के बाद आपको गोली मिलेंगे। सरकारें लाखों पेड़ लगाती हैं, बचता कोई नहीं है। इसलिए मुन्नालाल गोयल और सब हम प्रयास करें कि बरसात के अंदर तय करें, एक पेड़ लगाओ जिंदा रखो, दो पेड़ लगाओ जिंदा रखो, और यदि ये आप करोगे तो इस प्रकृति के साथ बहुत बड़ा पुण्य करोगे आप। तो आज हम संकल्प लें, इसके बरसात सीजन में सभी लोग एक एक दो दो पेड़ लगाएंगे और गोद लेंगे उनको, ये जिंदा भी रखना है उनको। तो मुझे आज का जो आपने लगाया है यहाँ पर सब प्रदर्शनी लगाई है, तो उस प्रदर्शनी का शीर्षक यही है कि हम भी सब सीखें इससे आते, ये सब उपदेश है कि होना चाहिए, सब कहते होना चाहिए हरियाली, पेड़ हमारे कटते जा रहे हैं, अपन नए पेड़ लगना चाहिए, तो लगने का प्रयास कौन करेगा, हम सब करेंगे ना। तो इसलिए दुनिया के उत्तर में देखो, आप ग्वालियर देखें, अपना क्षेत्र देखें जहाँ रह रहे हैं, और प्रयास करें एक एक दो पेड़ इस बार बरसात में लगाने हैं। हमारे कर्मचारी वर्ग के सभी सम्मानीय अधिकारियों कर्मचारियों ने आज हरित क्रांति पर यहाँ पर पूरा एक प्रदर्शनी लगाई है, और उसमें ये संदेश देने काम किया है कि हरियाली बिना सब सूना है। जिस तरीके से लगातार देश के अंदर वन कटते जा रहे हैं, 70% वन कट गए हैं, और जिसका नतीजा सब देख रहे हैं कि आज हमारी प्रकृति में चेंज आ गया है। समय पर पानी नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है तो पूरा नहीं पड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है कि हमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की है, और ये छेड़छाड़ बंद नहीं हुई तो आने वाले 10-15 सालों बाद आदमी बूंद पानी की चेतावनी है कि सुधर जाइए आप। इसलिए आज हम सब संकल्प लें, आज प्रदर्शनी लगाई है, इसलिए साधुवाद है हमारे सब कर्मचारी भाइयों को कि उन्होंने कम से कम एक नया संदेश दिया है। लेकिन संदेश को सब जीने उतारें, चाहे मुन्नालाल गोयल हो, चाहे हमारे मोतीमहल के सभी हमारे कर्मचारी साथी हों, कि हम इस बरसात के मौसम में एक एक दो दो पेड़ लगाएं, और लगाएं नहीं, सरकारें लगाती हैं लाखों पेड़, बचता एक भी नहीं है। जो पेड़ लगाएं उसको गोद भी लें, कि हमारी जिम्मेदारी है पेड़ लगाने के बाद हम एक या दो पेड़ को सिंचित करेंगे और उस पेड़ का पालन पोषण करेंगे, जिससे बड़ा होकर आने वाले समय हमारी मानव जाति के लिए काम हो पाए। तो आज के मौके पर मैं सभी कर्मचारी भाइयों को साधुवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज का मिशन में हम सब भाई संकल्प लेंगे कि बरसात के मौसम में सभी भाई शहर के अंदर कहीं लगाओ, एक एक दो दो पेड़ लगाएंगे और उसको गोद लेना काम करेंगे। धन्यवाद।